बात करेंगे लिंग असमानता सूचकांक की। यह सूचकांक विभिन्न देशों में महिला और पुरुषों के मध्य होने वाली असमानता को दर्शाता है कि उन महिला एवं पुरुषों में किन किन क्षेत्रों में उनमें जो है उनके साथ असमानता होती है। जेंडर इनइक्वालिटी जो इंडेक्स है यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में UNDP कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यह सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट की 20वीं वर्षगांठ पर सन 2010 में लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया गया था। यह रिपोर्ट जो है 3 आयामों पर आधारित होती है। पहला है प्रजनन स्वास्थ्य, दूसरा है सशक्तिकरण और तीसरा है आर्थिक स्थिति के आधार पर। महिला एवं पुरुषों की सामान्य उपलब्धियों के बीच असमानता को दर्शाता है। इन 3 आयामों पर जो है यह विभिन्न देशों में महिला एवं पुरुषों के मध्य किस प्रकार से उनमें जो है भेदभाव होता है, उनमें कौन कौन सी असमानता है विभिन्न देशों में, इस आधार पर या उन देशों को कैटेगराइज करता है, उनको जो है एक क्रम में व्यवस्थित करता है। सन 2018 की जो लिंग असमानता सूचकांक में भारत ने 0.524 अंक के साथ 130वां स्थान प्राप्त किया था, जबकि सन 2017 में जो है 127वां स्थान भारत को मिला था। तो ये थी लिंग असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जो कि UNDP के द्वारा जारी होती है और ये हर साल जारी होती है। तो वर्तमान में इसकी क्या रैंकिंग है, इसे आपको जानना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।